सबसे पहले तो मैं अपने गांव में आप पत्रकार बंधुओं छायाकार बंधुओं का बहुत ही धन्यवाद करूंगा। आपने अपना समय कीमती समय निकाला और बेटी ने जो मुकाम हासिल किया ये ऐसा मुकाम हमारे लिए कर दिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था और एक ऐसा माइलस्टोन बना दिया भाई ताकि और बच्चे भी हमारे इस बच्ची से प्रेरणा लेंगे और अपना जो क्षेत्र पे एक पिछड़ा क्षेत्र का स्टिकर लगा हुआ है उसको इसने एक मिटाने का और जो मेट्रो सिटी बड़े बड़े गुड़गांव मुंबई और उन शहरों को मात देते हुए गांव में रहते हुए पली बड़ी और उस मुकाम को हासिल किया जहां बच्चे सोचते तो सभी हैं माँ बाप भी सोचते हैं लेकिन अहम रोल बच्चे का होता है। जब बच्चा पूरा करेगा माता पिता कोई नहीं सोचता भाई मेरा बच्चा ऊपर नहीं जाए हर माँ बाप सोचता है लेकिन अहम रोल बच्चे का होता है। तो बच्ची ने अपना शुरू से ही बहुत बेहतरीन प्रयास किया इसके लिए हमने बच्ची को कभी ये नहीं कहना पड़ा अब बेटा तू पढ़ ले हमें तो बल्कि इसको बेटा बहुत पढ़ लिया अब सो जाओ। आज ग्रामीणों ने काफ़ी जोरदार स्वागत किया है क्या जिस प्रकार क्षेत्र में और मैं तो यूँ कहूँगा पूरे भारत में भाई सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के विधायक मंत्रीगण आ रहे हैं तो इसे हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गांव की बात करूं तो गांव में देखो आपने देखा होगा पूरा गांव में हर्ष उल्लास पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ रही है और मेरे को पत्रकार बंधुओं के इतने फ़ोन आए तो मैं तो भाई इस बात से माफ़ी चाहूँगा किसी भाई का फ़ोन अटेंड भी नहीं करना पाए था लेकिन क्योंकि वहाँ कोटा में भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम था वहाँ बहुत ही हमारा ऐसा भव्य स्वागत हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गांव के अलावा कहाँ कहाँ सम्मान हुआ? गांव के अलावा पूरे कोटा में और रास्ते में जब जिले की सीमा पे लगी वहाँ भी हमारा भव्य स्वागत हुआ और आप देख रहे हैं यहाँ झज्जर और कहीं वजीराबाद और जिस प्रकार संस्थाओं ने बेटी का भाई एक अपने क्षेत्र की बेटी का तो उसका सम्मान के लिए कोई